गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुनीत शर्मा, पुनीत डेंटल क्लिनिक कैलाशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ पायरिया के बारे में। जी हाँ, पायरिया, जो कि सबको डरा के रखता है कि एक बार पायरिया हो जाएगा तो दांत गिर जाएंगे, उसी पायरिया के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पायरिया एक्चुअली होता क्या है। पायरिया को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। ठीक, तो एक्चुअली ये पेरियोडोंटाइटिस होती क्या है? पेरियोडोंटाइटिस होती है दांतों के आसपास जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम जिसमें हम हड्डी को शामिल करेंगे, ये जो दांत की जड़ है। जी फ्रेंड्स, जो दांत की जड़ है, इसके आसपास हड्डी है और मसूड़े हैं। ठीक है, तो इसमें अगर सूजन आने लगेगी, इस एरिया में सूजन आने लगेगी, सबसे पहले जो आएगी सूजन गम्स में आएगी। उसके बाद में अगर कोई ध्यान नहीं देगा, मसूड़ों में से खून आ रहा होगा, वो ध्यान नहीं देगा, अपना ब्रश करता रहेगा, गंदे तरीके से मुंह रखेगा, साफ़ नहीं रखेगा अच्छे से, डॉक्टर पे डेंटिस्ट पे नहीं जाएगा, तो वो चल के आगे प्रॉब्लम पायरिया में बदलने लगती है। और इससे क्या होता है कि इससे हड्डी जो दांत को सपोर्ट कर रही है, जो जड़ को दांत की सपोर्ट कर रही है, वो हड्डी कम होनी शुरू हो जाती है उस एरिया में से, और वो गंदगी की वजह से कम होती चली जाती है। और फिर आगे चल के आपको ऐसा लगने लगता है कि इसमें ठंडा पानी लग रहा है, दर्द हो रहा है इस दांत में, टीस मार रही है मसूड़ों में, खून निकल रहा है लगातार वहीं से, और आगे चल के और एडवांस्ड इसको, और आगे चल के जब ये हड्डी और ज़्यादा कम हो जाएगी तो आपका दांत हिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी को पायरिया बोलते हैं। और ये अभी आप इस वीडियो में देख पाएंगे जो कि अभी शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब जब आपने ये देख लिया है कि पायरिया कैसा लगता है देखने में, अंदर साइंस के तरीके से देख लिया है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पायरिया कितना ख़तरनाक होता है। पायरिया देखिए, 17 साल के बच्चे में भी हो सकता है और 40 साल के मिडिल एज्ड इंसान में भी हो सकता है। पायरिया से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाएँ, और स्मोकिंग कम से कम करें, हो सके तो ना करें, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता।
और अगर आप डायबिटिक हैं तो और स्पेशल ध्यान रखें अपने मसूड़ों का, दांतों का। दिन में 2 बार ब्रश करें और स्केलिंग साल में 2 बार ज़रूर कराएं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब डेंटिस्ट आपको बोले कि अब आपको स्केलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है करानी, जब भी आप कराएं, नहीं, हर साल आपको दिन साल में 2 बार करानी है, 6 महीने में 1 बार करानी ही करानी है आपको स्केलिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे आपके दांत ढीले नहीं होने वाले, स्केलिंग से, स्केलिंग जिसे दांतों की सफाई भी बोलते हैं, इससे आपके दांत ढीले नहीं होने वाले, आपको दांत घिसने नहीं वाले, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं खुद अपने दांतों की सफाई कराता हूँ और आप सभी को करानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात और बोलूँगा मैं कि ये जो बैक्टीरिया पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया को पैदा करते हैं, यही बैक्टीरिया अगर ध्यान ना दिया जाए तो कार्डियक प्रॉब्लम, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सभी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकते हैं आपके शरीर में जी। अब आप लोग, जब आपको ये बात पता है तो आप पूरा पूरा ध्यान रखें अपने दांतों का। दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉस करें, अगर कहीं दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करें, और अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में अपने दांतों का चेकअप करने का मौका दें, और साल में 2 बार स्केलिंग कराएं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।